नेपाल में भारी बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बराज से 5,62,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में डिस्चार्ज किया गया। ये 21 सालों में सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज का लेवल है और ऐसे में गोपालगंज के सदर प्रखंड के मेहदिया गांव पूरी तरह से डूब चुका है। एक सिर्फ नाव है जिसे लोग आवाजाही कर रहे हैं। ये मेहदिया गाँव की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो झोपड़ी नुमा मकान है या फिर करकट नुमा है या फिर एक मंजिला जिनका मकान है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ के लोग जो है प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और लगातार पॉलिथीन के अलावा किचन सेट बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर कम्युनिटी किचन का जो है काम शुरू नहीं हो सका। ऐसे में इलाके के जो ग्रामीण है वो परेशान है। क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? दिक्कत हो रही है, 150 लगभग घर है, सभी लोग घिर चुके हैं इस पानी में। बच्चा लोगों को तो जान माल का खतरा लग रहा है। यहाँ कोई अभी तक देखने सुनने नहीं आया, जो आया बाहर से बाहर ही देख के चला गया। अभी तक ना खाना का व्यवस्था हुआ, ना कोई प्लोटीन मिला। आकाश से बारिश अगर होती है तो ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे। कितना गांव यहाँ प्रभावित हो चुका है? यहाँ करीब 150 घर है। 150 घर, हर 150 घर में कम से कम एक परिवार में 5-6 आदमी है। लोग सारा लोग के घर में पानी घुसा हुआ है। प्रशासन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। अभी हम प्रशासन से बात किए हैं तो वीडियो साहब बोले हैं कि 10 बजे तक किचन का व्यवस्था हो जाएगा। हम इस पोलथीन का भी व्यवस्था करना है। बोले हैं कि ठीक है, हम पोलथीन और खाना का व्यवस्था दोनों करेंगे। इसलिए कि यहाँ बाल बच्चा माल मवेशी का भी व्यवस्था कुछ नहीं है। जो भी मवेशी है सब पानी में डूबा हुआ है। तो सरकार से यही मांग करेंगे कि मवेशी का भी और यहाँ जो लोग भी पानी से घिरे हुए हैं उन लोगों को खाना का व्यवस्था और प्लस पोलोथीन का व्यवस्था किया जाए। ये सिर्फ कहानी मेहदिया गांव की नहीं है बल्कि गंडक नदी के निचले इलाके में बसे तकरीबन 22 ऐसे गांव और टोले हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और यहां के लोग सरकार और प्रशासन से लगातार कम्युनिटी किचन चलाने और पशुओं के लिए चारा की मांग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। आपुनी बिसरा बातरी पाबो केवल न्यूज 18 एपत। न्यूज 18 एप डाउनलोड करिबोलै स्कैन करक एक QR कोड। Google Play Store তো পাব এই নিউজ 18 app।